हाय गाइस, गुड इवनिंग। और रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो क्योंकि 7:45 का टाइम हो गया है। और मैं जो गून रही हूँ वो आटा, और सब्जी मैंने बना दी है। और अभी आटा गूनूंगी, फिर उसके बाद जो है चपातियाँ बनानी है, फिर मैं मिलूँगी आपसे खाना बनाने के बाद। वेलकम बैक। और काम सारे हो चुके हैं, दोपहर के हो रहे हैं, 2:30 बजने वाले हैं। और मम्मी के सिर में बालों में जो है मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो तो आराम कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। तो धूप में ऐसा कुछ काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता, तो हम भी अभी रेस्ट ही कर रहे हैं। और लंच में मम्मी ने ही बनाई थी आज खिचड़ी। और पहले तो जो है कढ़ी चावल बनाने का मन था, बट एट मतलब लास्ट मोमेंट पे जो है वो चेंज हो गया। और मेरे पापा जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है अगर कोई विलेज से होगा तो उनको तो पता ही होगा कि ये जो है धान का सीज़न है। तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन मेरे मतलब जो हमारा खुद का ही ट्यूबवेल है मतलब, तो हमारे जो मतलब पड़ोसी और रिलेशन में ही है हमारे, तो पापा ने पहले उनको दिया हुआ था अपने मतलब खेत में पानी डालने के लिए। तो जब मैं आई थी तो उस दिन क्या हुआ, कुछ लाइट का कुछ इशू भी था, मतलब बहुत ज़्यादा डिम लाइट थी तो प्रॉपर वो चल नहीं रहा था। बट वही बात है ना कि दूसरे की चीज़ है तो इतना ज़्यादा केयर कौन करता है, अगर खुद की चीज़ होती है तो हर कोई केयर करता है। तो वो डिम लाइट में भी जो है ट्यूबवेल चलता ही रहा, और इसमें बीच बीच में पानी जो है वो रुक कर आ रहा था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिनको हमने ट्यूबवेल की चाबी दी हुई थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जो हमारी जो ट्यूबवेल की जो मोटर है वो ख़राब हो गई थी। तो उनका तो काम हो चुका था, जब हमारे काम की बारी आई तो ट्यूबवेल है जो ख़राब हो चुका था। मेरे पापा बड़े ज़्यादा परेशान रहे, 2 दिन उन्होंने इधर उधर चक्कर लगाए, ठीक करने वाले को भी बुलाया। तो पर एक वो चीज़ हो जाती है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता ही है। तो फाइनली मतलब ट्यूबवेल भी हमारा ठीक हो गया था, कल रात ठीक हुआ था। तो लेकिन आज जो है यहाँ पर बारिश हुई, तो मतलब अगर कुछ एरिया में पानी रह भी गया था तो वो बारिश की वजह से कम्प्लीट हो गया, तो इतनी ज़्यादा कोई फिर बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बस वही है कि एक मन में ख्याल आ जाता है कि अगर आपका कोई नहीं है लेकिन, तो आप इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ हमेशा रहता है। तो बट चलिए, लाइफ के वही है कि लाइफ के कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं, चलते रहते हैं, इनको कई बार हमें साथ लेकर भी चलना पड़ता है। तो अभी जो है मैं इस ब्लॉग को तो यहीं पर ही एंड करूँगी, मैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाहर को जा रहा था इसलिए मैं बाहर की तरफ देख रही थी, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूँगी। और प्लीज़ आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके लिए बाय, और आप सभी लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे साथ आप अग्री करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।